अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नायला, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर इंडिया। उम्मीद करती हूँ आप हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल डिश लेकर के आई हूँ। मेरी एक व्यूअर ने मुझे मंदी मसाला गिफ्ट किया था, तो मैं बहुत दिनों से प्लानिंग कर रही थी कि मैं मंदी बनाऊंगी। आज मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए मंदी की रेसिपी, और ये थोड़ी बनाने में टफ भी है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से और बहुत मजेदार होने वाली मंदी बताऊंगी। तो शुरू से आखिर तक मेरे साथ बने रहें। और ये डिश है यमन की। धीरे धीरे ये डिश लोगों में इतनी मकबूल हो गई, लोग इतना पसंद करने लगे कि दुबई में, सऊदी अरब में, ओमान में इस डिश को लोग बहुत पसंद करने लगे, और इस तरह से पाकिस्तान होता हुआ इंडिया भी आ गया। अब लोग इन हिंदुस्तान के होटलों में भी अब हर जगह मंदी मिल जाएगी, खास के साउथ में इसका बहुत ज्यादा चलन है। ये डिश लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। सर्व करने का भी एक ट्रेडिशनल और बहुत खास अंदाज है, और इसकी ट्रेडिशनल खूबियों को मैंने बरकरार रखा है, और जिस तरह से ये सर्व की जाती है बहुत प्यारे अंदाज में मैंने भी सर्व किया है। आपको सच में बहुत मजा आएगा, और आप बहुत आसानी से बहुत कम मसालों में, बहुत कम तेल में आप ये मंदी बना पाएंगे। मंदी के लिए मैंने ले लिया मटन का एक रान, जो तकरीबन 2 kg का है। रान को अच्छी तरह से धो लें, और जैसे ही इसका पानी निकल जाए इसमें अच्छी तरह से अलग पलट के कट लगा रहे, और इसमें फैट अच्छे से लगी होती है, तो ये जायका को बढ़ाती है, और इसकी वजह से बहुत कम ऑयल और मंदी बन के रेडी हो जाती है। और चूंकि इसके रोगन में बनती है तो इसलिए ये बहुत मजेदार होती है। गोश्त का बड़ा हिस्सा इसमें होता है, तो मसालों को एब्जॉर्ब करने के लिए, और ये गल भी जाती है बहुत अच्छे से, इसके लिए इसमें कट लगाना बहुत जरूरी है। मेरे पास एल्युमिनियम की डेक्ची है जिसमें मैंने सरसों का तेल डाला। देखिए बहुत कम मकदार में मैंने तेल डाला, और उसमें लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और तेज पत्ता डालें, और जैसे ये चिटकने लगे उसमें रान डाल दें। रान को पहले हमें सौते करना है। देखिए ये कितनी खुश रंग सौते हो गई है, हल्की सी भुन गई है, जो इसकी बिसांद और महक को खत्म कर देती है। इससे आपके डिश में किसी किस्म की भी बिसांद नहीं रहे, तो ये स्टेप बहुत जरूरी है, इसे बिल्कुल ना छोड़े। गोश्त का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए हमने ले लिया है पपीते का 2-3 inch का टुकड़ा, कट कर लें और इसे अच्छे तरीके से धो लें। छिलका समेत छोटे छोटे कतरे काट कर मिक्सर में डालें, और इसमें मैंने 100 ग्राम दही डाल दिया, जावित्री, छोटी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, सफेद गोल मिर्च के दाने, यहाँ पे आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, हमारे पास सफेद मिर्च थी तो हमने सफेद मिर्च डाला। बगैर पानी शामिल किए दही के जरिए हम सारी चीजें और रान को फैला दें। रान में एक बड़ी सी हड्डी होती है, जिसे मोड़ कर मैंने एक हल्का सा कट मार कर डिक्ची में मैंने मोड़ कर अंदर की तरफ रख दिया था। अब एक डाल दिया है हमने इसमें स्टार अनीस, जो अच्छी खुशबू होती है, हरी मिर्च, तेज पत्ता, 1 tablespoon, याद रखिएगा 1 tablespoon भर के मैंने अदरक का पेस्ट डाला, 1 teaspoon भर के लाल मिर्च पाउडर, और 1 teaspoon भर के आधे चमची नमक और मैंने इसमें शामिल किया था नमक डाल दिया। ये सारे मसाले भी गोश्त के लिए हैं, अच्छे तरीके से मिक्स करें। आप देखेंगे कि ऑयल की बहुत कम मकदार डाली गई है, और इसी मकदार में रेसिपी बन के रेडी हो गई। अब इसे अच्छे से मिक्स करके ढक्कन से ढक दें, और ढक्कन पे वजन डाल दें, कोई भी भारी चीज, और अगर आपके पास कोई भारी चीज ना हो तो एक डेगची में पानी भरकर और उस पानी की डेगची को उसके ऊपर रख दें। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़े जबरदस्त तरीके से स्टीम हो जाएगा और पक जाएगा। डेगची को छोटे बर्नर पे चढ़ाएं और आराम से आधे घंटे पकने दें। आधे आधे घंटे पे आपको ढक्कन खोल के चेक करना है कि गोश्त गला है या नहीं। इस तरीके से मैंने 2-3 बार ढक्कन खोल के चेक कर लिया, और फिर उसे ढककर पकने दिया। आपका जो भी वक्त लगता है, इस रान को पकने में ही वक्त लगता है, बाकी उसके बाद आपको ज्यादा वक्त नहीं देना पड़ता है। दूसरी तरफ मैं ये कहूंगी कि आप चंद अंडे बॉयल करके उसे हल्का सा फ्राई करके कट करके रख लें, थोड़ी प्याज की बिरयानी फ्राई करके रख लें, धनिया पत्ती काट कर रख लें। जब तक आपका ये रान पक रहा है, बकिया प्रिपरेशन आप करें। 2 kg रान में मैंने 1.5 kg चावल डाला था, तो पुलाव का चावल जो आप यूज करना चाहें उसे भी अच्छे तरीके से धो के छन्ने में
डाल के रख दे ताकि उसका पानी निकल जाए। मंदी जो डिश बहुत अच्छी बहुत इम्पॉर्टेंट डिश हम बना रहे हैं, इसको सर्व करने का एक तरीका ये है कि रान का शोरबा भी उस थाल पे पेश किया जाता है या सर्व किया जाता है, तो उसके लिए मैंने ये शोरबा निकाल लिया। एक कढ़ाई में मैंने आधे से ज्यादा शोरबा निकाल लिया और थोड़ा सा शोरबा रहने दिया। दूसरी तरफ मैंने 1.5 kg चावल, मेरे घर के 6 glass चावल के बराबर होता है, तो मैंने उसका जस्ट डबल 12 glass पानी उबाल कर रख लिया था ताकि पानी गर्म होता है तो तेजी से आपका खाना बनता जाता है। अब ये 12 glass उबले हुए पानी मैंने इसमें डाल दिया। चावल के लिए हमें इसमें दोबारा से नमक डालना पड़ेगा और मेरे एक व्यूअर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने केरल से मुझे ये मंदी मसाला उन्होंने मुझे ला के गिफ्ट किया, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा और क्या मौका होगा कि मैं इसका इस्तेमाल कर लूँ। अपने व्यूअर के शुक्रिया के साथ मैं इस मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी में ही आपको इस मंदी मसाले को मिला देना है। इसका तरीका यही है, जब भी आप मंदी मसाला तो इस चावल डालने से पहले आप मंदी मसाला मिक्स कर लें पानी में, और अब जो चावल 6 glass चावल जो मैंने आपको बताया था या 1.5 kg चावल जो मैंने धोकर छन्ने में रखा था उसे अब इस खौलते हुए पानी डाल देंगे। यहाँ रान भी है। अब इस चावल के साथ हमारा रान जी जो थोड़ी सी कसर रह गई थी वो पक जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट घुला हुआ ये चावल के साथ पककर तैयार हो जाए। चावल के दानों को अच्छी तरह से पानी में उतार ले और फिर ढक। जब अल्लाह ने आपको पैसा दिया तो 3 चीजों को पहले फोकस करो। नंबर 1, खुराक सबसे टाइट। जाती मकान बना लिया लेकिन अच्छा खाने के पैसे नहीं बचे, भाड़ में जाए ऐसा मकान। ये भी तो बॉडी भी तो मकान है ना। अरे पहले इसकी हड्डियों का सरिया मजबूत करो फिर मकान में सरिया डालो। दूध पीने के पैसे नहीं है कमबख्त के पास, है भाई कैल्शियम हड्डियों। दस मिनट के बाद जब आप देगची को खोलेंगे तो आपको इस पसीम का नजर आएगा। चावल ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। चारों तरफ से हल्के हाथों से चला दें, रान टूटे ना, क्योंकि अब ये बिल्कुल गल चुका है। थोड़े से गोश्त के हिस्से बाहर भी आ रहे हैं चावल में, आप देखेंगे नीचे तले से भी चावल को हल्का कर। थोड़ी सी बिरयानी मैंने डाली थी अपने तरीके से, आप चाहें तो ना भी डालें। क्योंकि बिरयानी की खुशबू मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने जरा सा डाला था, बहुत ज्यादा नहीं। बिरयानी और धनिया पत्ती अच्छे से छिड़क, देखिए कितने खुश रंग लग रहे हैं। अब इसे दोबारा ढक्कन से ढके ऊपर वजन रख 20 से 30 मिनट दम कर लें। तो चलिए हो गए हैं हमारे 30 मिनट, खोल के देखते हैं। सुभान अल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गया है। वक्त और मेहनत थोड़ा सा लगा है लेकिन ये मुझे पूरा इल्म है कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हो गया। अब आ गई है इसे सर्व करने की बात, तो ज़रूरी नहीं है कोई स्पेशल बर्तनों को थाल हो। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे पास सेनी रखी हुई, मैंने सोचा कि सेनी से बेहतर कुछ नहीं हो इसे सर्व करने के लिए, तो आप भी चाहें तो सेनी पे या अपने घर के किसी भी ट्रे वगैरह में सर्व कर सकते हो। तो चलिए देखिए कैसे सर्व किया है। मैं पहले आप चावल का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन रख, आप जब होटल वगैरह में मंगाते हैं ना तो सर्व करते करते ही उनका ठंडा हो जाता है और कोई मजा टेस्ट बाकी नहीं, लेकिन जब आप घर में बनाते हैं ना देखिए कितने गर्मा गर्म सर्व करते हैं और सब लोग मिल के खाते हैं तो बहुत मजा। आज के जमाने में लोग दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं जो बहुत हार्मफुल है।
तो आप दिन भर ना देखकर अच्छी वीडियो 10-15 मिनट देख लें, आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा, आप कुछ नया बनाने के लिए मोटिवेट भी होंगे, आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। और जब आप दूसरे के फायदे के लिए कुछ करते हैं तो अल्लाह आपको भी आपके मिशन में कामयाब कर। तेज पत्ता वगैरह आप थाल से हटा दें। मंदी के चावल अच्छे तरीके से मंदी के चावल को फैला दें। मैंने अंडा बॉयल करके फ्राई करके रखा है, उसे भी अच्छे से सजाऊंगा। ये देखिए रान आ गया है, ये देखने से ही लग रहा है कि कितना बिल्कुल। इस पे से चावल हटा दें, थोड़ा खूबसूरती से सर्व करें। रान की हड्डी बिल्कुल अलग हो गई है, तो आप इसे अलग ना करें, बल्कि थोड़ा शेप देके सजा थाल में परोस दें। फटाफट थोड़ा सा घी गर्म किया और उसमें काजू और किशमिश, क्योंकि यम्मी डिश में ये सारी चीजें जाती हैं, ये खूबसूरती है डिश की, और इन खानों से आपको ताकत भी बहुत मिलती है, तो कभी कभी ऐसा खाना जरूर खाना चाहिए। अब ये घी और काजू किशमिश को मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी, फैला दूंगी, चावल और रान के ऊपर फैला दूंगी, मन चाहे तरीके से सजा। मैंने प्याज टमाटर खीर के स्लाइस सजाए थे, उस पर छिड़क दिया था घी में फ्राई किया गया काजू किशमिश। खाते वक्त जब आपके मुंह में आता है तो बड़ा मजा देता है। लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी थाल रेडी हो गई है। ये देखिए ये रान की यखनी है, ये देखिए ये रान की यखनी है, ये बहुत लजीज थी और इसमें इसका अपना रोगन और फैट है। इसके साथ मैंने धनिया पत्ती की चटनी बना दी थी, दही से छाछ बना लिया था और रान का शोरबा। इस तरीके से आप, चूंकि चावल ड्राई होते हैं तो कुछ शोरबे वाली चीजें होनी चाहिए, इसको सर्व करने का यही तरीका है कि इसके शोरबे के साथ, रायता के साथ, सलाद के साथ आपको सर्व करना हो। तो लीजिए मैंने रेडी कर दिया है, बहुत मेहनत की है और आपको पसंद भी आएगी। और इतने इजी तरीके से आपको मंदी बनाना कोई नहीं बताएगा, बहुत ही डिफिकल्ट तरीका लोग इस्तेमाल करते हैं, और बहुत बर्तन फैलाना, बहुत सामान फैलाना, मगर मैंने बहुत कम बर्तनों में बहुत अच्छे से पका कर, और माशाल्लाह मेरी मददगार हैं, उन लोगों को मैंने दिया था, पड़ोसियों को दिया था, ने बहुत तारीफ की, सबों को बहुत अच्छा लगा, बहुत मजेदार लगा। ये जाजिब नजर भी है, देखने में बड़ा जबरदस्त लगता है, और खास के जब बहुत सारे फैमिली मेंबर हो ना, तब आप ये डिश बना तो आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी, और सब जब शौक से खाएंगे ना तो आप खास किस्म का सुकून मिले। तो खूब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरी और भी बेहतरीन वीडियोस हैं, उसको जाकर आप जरूर देखें। दिन भर लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, चलाते हैं, कुछ क्वालिटी भरी चीजें देखेंगे तो आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन और सुकून का एहसास हो, और आपका भी जी करेगा कि एक बार आप जरूर बनाएं। तो जब आपके घर में ज्यादा मेहमान हो, या बच्चे हॉस्टल से आए हो, या जॉब से आए हो, तो उनके लिए आप जरूर बनाएं, वो इतने खुश होंगे आपसे और बहुत सारा प्यार आप पे लुटाएंगे। आज सबों को भूख जल्दी लग गई थी और सब लोग ट्राई करना चाह रहे थे, और मैंने भी ट्राई किया। इसको खाने का तरीका ये है कि आप साइड पे शोरबा डालें और गोश्त और सारी चीजों को मिलाकर एक बाइट बनाएं और उसे नोश फरमाएं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें और मेरी कामयाबी की भी दुआ करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मेरे सब्सक्राइबर दुनिया में जहाँ से भी देख रहे हूँ, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अलग अलग कंट्री से लोग देखते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जहाँ से भी देख रहे हो कमेंट सेक्शन में आकर, आप जहाँ से भी देख रहे हो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर अपना नाम बताएं। मैं सबसे पहले आने वाले 5 कमेंट करने वालों का नाम बताऊंगी अपने वीडियो में, उनका शहर, सिटी और कंट्री। मैं चैलेंज करती हूँ यूट्यूब पे, अब तक इतना आसान तरीका मंदी बनाने का किसी ने नहीं बताया है। मंदी बनाने का इतना आसान तरीका अब तक किसी ने नहीं बताया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।